आज हम बिस्किट से केक बनाना सीखेंगे। ये बिना एग और बिना ओवन के काफी अच्छा बनता है। इसके लिए हमें चाहिए मैरी बिस्किट, मैदा, शुगर, कोको पाउडर, ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर, कॉफी, बॉर्नविटा और वनीला एसेंस। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन में एक ग्लास पानी डालेंगे, 4 बड़े स्पून मैदा डालेंगे, 1 स्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट, 1 स्पून कोको पाउडर, 1 स्पून बॉर्नविटा एंड 1/2 स्पून कॉफी। अभी फ्लेम बंद रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये ठंडे पानी में मिक्स होता है, गर्म पानी में लम्प्स बन जाते हैं। फिर फ्लेम ऑन कर दें और इसको धीरे धीरे मिक्स करें। लगातार स्टर करते रहें। ये देखिए थिक हो गया है। जब ये थिक हो जाए तो 9 to 10 स्पून्स शुगर डाल देंगे। शुगर मेल्ट होने लगेगी, इसको धीरे धीरे स्टर करते रहें। जब ये थिक हो जाए तो हम 1/2 स्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। वनीला एसेंस से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए हमारी थिक सॉस तैयार हो गई है। सॉस को ठंडा करने के बाद ये इस तरह की सॉस तैयार होती है। अब हम इसको बिस्किट्स पे लगाएंगे। होल्स वाली साइड ऊपर रखेंगे, उस तरफ सॉस लगाएंगे। बिस्किट्स को इस तरह से अरेंज करते जाएंगे। 8 to 10 बिस्किट्स होने के बाद इसको टिल्ट कर देंगे। लास्ट वाला बिस्किट बिना सॉस के लगाएंगे। ये सेट हो गए हैं। अब हम इसको टाइट रोल बना देंगे। अच्छे से इसको रैप कर दें और रोल तैयार कर लें। दोनों साइड से इसको अच्छे से बंद कर दें। इसी तरह से हम दूसरा रोल बना लेंगे। ये हमारे रोल्स रेडी हैं। अब हम इनको 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 4 घंटे हो चुके हैं, अब हम अपने रोल्स को खोल लेंगे। ये इस तरह से बिस्किट सेट हो गए हैं। अब हम इनको नाइफ से काट लेंगे। एक साइड से काटना शुरू करेंगे। इसको ध्यान से काटना है और इनकी थिकनेस एक जैसी होनी चाहिए। इस तरह से ये केक तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितने सुंदर पीसेस लग रहे हैं। केक खाने के लिए रेडी है। आप अपने बच्चों को सर्व करें।